इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं बं 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 मं बं हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं छुबीं छुबीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों बं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज पाचे पाचे ॐ नमो रं झं झिं छुबीं हं सं झं बं हयासा छां छीं छुं छै छै छौ छं छा छिबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रुरा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ठाटस्माकं समस्त भक्तजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं करसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञपरमेष्ठीपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सदन श्री बलैरवि विधिरस्तु सोधर्म सुशिष वर्गाभिषिदंतु नः। ओम विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्मिशति अरहंतो भगवंतः सर्वज्ञः परम मंगलां धिया यमुच्यसितेम तद्मन्तु सधर्म गयेषु यमुच्यसितेम विच्छेन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथ कुंथनाथ रेनाती धंगराय श्रीमद रत्नातरे रूपाय दिव्य तेजोमोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चतुर्थाणि गुण सेवकताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी स्कोय स्पदाय त्रिलोक बसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे भ्रतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका साव साविका प्रमुख चतुर्विध संगुप सर्ग विनाशनाय घाती गनम छेन कराय अजराय अभय अस्माकम साधी धरा कर्ता परिवारस आज के विधानकर्ता परिवार हैं श्रीमती सीलानी जी राजू जी मीना जी पारस जी वारिस जी राजुल जी श्रेयान जी सुबी जी समस्त ईश्वरवारा वाला परिवार समस्त परिवार सुरेंद्र जी सुलेखा जी सौरभ जी सोनल जी साहिल जी सुबी जी नित्या जी आशी जी अन्ना जी नित्यम जी डबलीरा वाला परिवार सागर समस्त परिवार थांती धाराकर्ता परिवार जी छाया जी विवेक जी रीना जी आयुष जी मीसा जी समस्त एस बी गैस परिवार सागर समस्त परिवार कीर्ति जी सनत जी लकी जी सुब्रा जी हनी जी रीना जी अभिषेक जी सुजल जी आजू जी प्रिया जी रेयान जी नेगी जी समस्त सुर्खी वाला परिवार सागर नेमीचंद जी मनोज जी जैन कराना वाला परिवार मनु जी जैन कराना वाला परिवार सागर सरद जी शशि जी गौरव जी सौरभ जी आरके जी बिलासपुर वाला परिवार रेखा जी आंख ज्योति वृद्धि रस्तु श्री राकेश जी सौरभ जी गौरव जी स्नेहलता जी सपना जी निधि जी सौरभी जी सोख्या जी गौरवी जी सौरभ मोबाइल ईश्वर बारा वाला परिवार सागर समस्त परिवार विमला भाई जी शैलेन जी सपना जी महक जी देवी जी संभोजी नरियावली वाला परिवार समस्त परिवार सौरभ जी करिश्मा जी सतीश जी सुधा केयर मेडिकल परिवार सागर समस्त परिवार आसारानी जी राजेश जी बेगमगंज परिवार आप सभी लोग मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य ले रहे हैं। अशोक जी बैंक वाले ललितपुर शांति भाई जी मनोज जी सागर राजेन जी विक्रम जी बेंगलुरु महावीर प्रसाद जी जतन देवी जी राजसमंद प्रदीप जी बालचंद जी महाराष्ट्र अनुप जी अरुण जी सागर गेंदाबाई जी जी सागर सुरेंद्र जी जबलपुर जय कुमार जी खनियाडाना मनोज जी अर्चना जी ज्ञान प्रकाश जी नागपुर करण जी भोपाल लक्ष्मीचंद जी समस्त परिवार जड़ोखेरा बीरन जी जड़ोखेरा संदीप जी ईश्वरवारा अरुण जी राकेश जी बीना आनंद जी अजय जी आनंद स्टील सागर क्षमा देवी जी मोगावली शैलन जी महावीर महारबल सागर रतन जैन जी चंदाबाई जी रमेश जी समस्त परिवार व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाब सिंह पूजन प्रसाद सेव का नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा बनस्तम भवतु। नवीन जी सीमा जी साहिल जी वरुण जी प्रताप नगर सांगाने जयपुर वाला परिवार समस्त परिवार पूजी खानम प्रतिपाली खानम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र तो शांति भगवान जिनेन्द्र अर्घम नृपमिति स्वाहा। तो वचन उचरिए वचन हो सो तन सो करिए ऐसा पंडित जी साहब ने पूजन में कहा है। उत्तम जो रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी जो हमारे मन में हो वही हमारी वचनों में हो और जो हमारी वचनों में हो वही हमारी क्रिया में हो ऐसा पंडित जी साहब बोल रहे हैं। उत्तम आचो धर्म सीधा सीधा धर्म है बालक की तरह धर्म है सही कहे जाए तो दिगंबरों का धर्म है। जैसे हमारे मुनि महाराज होते हैं अंदर से और बाहर से एक होते हैं कोई विकार आदि नहीं होते इसलिए उनको दिगंबर रहने की हमारे जैन धर्म में परंपरा चली। उसी प्रकार उत्तम आचार धर्म होता है जो हमारे मन में हो वही हमारे वचनों में हो जो हमारे वचनों में हो वही हमारी क्रिया में हो ऐ हमें उत्तम आचार धर्म सिखाता है।
कभी कभी कुटिलता के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसे उपहास का पात्र बनना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उन अधिकारी का एक राइटर जो लेखक होते हैं वह उनके मित्र थे। उन अधिकारी ने अपने मित्र से कहा, चलो मित्र हमारा सेमिनार है, हम उस सेमिनार में आपको ले चलते हैं। तब जो राइटर मित्र था, लेखक मित्र था, उसने कहा हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, आप हमें ले तो चल रहे हैं लेकिन हम हमारे पास फटे आदि कपड़े हैं, इन कपड़ों में जाना ठीक नहीं होगा। तब उन अधिकारी ने उस राइटर से कहा, एक काम करो आप कपड़े हमारे पहन लेना। तब राइटर ने कहा ठीक है हम आपके कपड़े पहन लेते हैं। राइटर ने अच्छे कपड़े अधिकारी महोदय के पहन लिए, चल दिए सेमिनार में। सेमिनार में पहुंचकर उन अधिकारी ने सब लोगों का परिचय कराया। जैसे ही उन राइटर की बारी आई तो राइटर साहब को परिचय कराया, यह राइटर बहुत अच्छे राइटर हैं, ये राइटर विभाग लिखते हैं, सत्य पे लिखते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जो कपड़े पहने हुए हैं वे मेरे हैं। राइटर क्या है, बहुत बुद्धिमान है, सच पर लिखते हैं, बेबाक लिखते हैं, लेकिन जो कपड़े आज पहनकर आए हैं वह मेरे हैं। कौन करा रहा परिचय, अधिकारी महोदय परिचय करा रहे हैं उन राइटर का, किसमें, सेमिनार में। उन राइटर को बुरा लग गया, उन राइटर ने कहा आपने ऐसे वचन बोल दिए, सबके सामने हजारों लोगों की भीड़ में सेमिनार में, अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आदमी के अंदर की कुटिलता बता रहे हैं, जो उत्तम आचार धर्म का पालन नहीं करते, जिनके मन में कुटिलता होती है वो देखो कैसे कैसे, अगर किसी की बेइज्जती करना होती है तो कैसे कैसे बेइज्जती करते हैं। एक मुनिराज विहार कर रहे थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे और एक और साथ में उनके मुनिराज थे। उन्होंने पम्बा सरोवर के किनारे एक बंगले को देखा, जैसे ही उन्होंने बंगले को देखा वह बंगला एक चित्र ध्यान लगा रहा था। जैसे ही उन्होंने उस बंगले के ध्यान को देखा तब एक मुनिराज ने कहा, धन्य है बंगला, कितना एक चित्र होकर ध्यान लगा रहा है। लेकिन एक मुनिराज ने अपने अवैध ज्ञान से जान लिया कि यह बगुला ध्यान नहीं लगा रहा, यह मछली को आने का इंतजार कर रहा है, कब मछली आए और कब मैं उस मछली को पकड़ लूं। मित्रों, तन गोरा मन मेला, मन मेला तन उजला, यह बगुला की टेक इससे तो कौआ भला, भीतर बाहर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।